नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और आज हम आए हैं खेलो कॉमेडियन लीग में, जहां पर आपके कॉमेडियन सरताज कॉमेडियन आज हमारे साथ है। सर, आपने जो ये कॉमेडियन खेलो लीग और ये जो आपका जो मैच हुआ, और मैं जो देख रहा हूं, मैं आपके कल से हाथों में लगा हुआ, कल आप खेले नहीं और आज आप बैटिंग भी कर रहे हैं, तो बैटिंग करते हो तो आपको कैसा लगा कि क्या सचिन फील कर रहे थे आप कि मैं सचिन की तरह खेल रहा हूँ, कैसे क्या लग रहा था आपको? एक्चुअली सारे जितने कलाकार रहे हैं सब अपने बचपन को ताजा कर रहे हैं। हम कोई प्रोफेशनली क्रिकेटर नहीं हैं, कुछ दो चार लड़के ऐसे हैं जो खेलते हैं अपने स्कूल कॉलेज स्टडी के हिसाब से, बाकी हम कोई प्रोफेशनली कॉमेडियन सारे हैं। सब स्टेज पे आने के पैसे लेते हैं सारे, चाहे किसी का बर्थडे हो चाहे शादी हो। आजकल तो कोई मर जाए तो उसके मुखान पे बारे पे भी प्रोग्राम, लेकिन क्रिकेट कोई नहीं खेलता, तो ये सब सभी एक जैसे हैं, फेंकने वाले भी एक जैसे हैं, बैटिंग करने वाले भी, या दोनों टीम में खेल रही है दोनों। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को इतना अच्छा मौका दिया, खेलो इसमें यहाँ पे चल रहा है, तो आप लोग खेलते हो क्या लगा? नहीं, ये लाइन उल्टी होगी, एक्चुअली हमने ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी को मौका दिया है कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग 40 लोग राजस्थान के बेस्ट कॉमेडियन चुन के यहाँ पे आए हैं, और हमारा सिर्फ उद्देश्य ये था कि सारे इकट्ठे हों, दो तीन दिन साथ में घूमें, खेलें, मजे करें, आनंद करें, और दर्शक भी देखें कि ये कॉमेडियन जो हमेशा खिलाते हैं, एक्टिंग करते हैं, क्या ये खेलना भी जानते हैं, तो उनको और ज्यादा मजा आ रहा है। अगर हम सही खेलते हैं तो भी मजा आता है, हम गलत खेलते हैं तो और ज्यादा मजा आता है। हम लोग को ऐसा फील आया कि हम लोग जैसे आईपीएल मैच या उस हाँ, बिल्कुल, ये तो ड्रेस पहनते ही फील आ गया था, ड्रेस पहनते ही ऐसे लग रहा है कि आईपीएल का वर्ल्ड कप का फाइनल ही हो रहा है सीधा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग अपने दर्शकों को कि आज आप लोगों को ये मौका मिला और ये सब चीज करने को, हम भी आज सचिन बने हैं, हम लोग भी आज सहवाग बन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम लोग कोई आईपीएल खेल रहे हैं, जो ट्रीट मिल रहा है और जिस प्रकार से हम खेल रहे हैं, हमेशा हम कॉमेडी करते रहते हैं, तो हमारे दर्शक भी सोचते हैं कि इनका खेल कूद में भी रुचि है कि नहीं, तो बिल्कुल है। आज दो दर्शक देखने को मिल रहे हैं एक तरह से, एक तो आप लोगों को कॉमेडियन जो करते हुए देखते हैं, बिल्कुल, और आज आप क्रिकेट खेल रहे हैं और दर्शक बैठ के तालियां बजा रहे हैं, जैसे फोर मार रहे हैं तालियां बज रही है, तो क्या फील आ रहा है कि आप लोग भी कहते थे हम स्टेडियम जा रहे हैं और हम लोग तालियां बजा रहे हैं, पब्लिक हमारे लिए बजा रही है? पब्लिक हमारे लिए ऐसी बजा रही है, तो पब्लिक को ये बता दूं कि हम लोग जब एक रन भी मारते हैं तो भी हुटिंग ऐसे हो रही है जैसे आईपीएल में सिक्स मारते हैं ना, उस हिसाब से पब्लिक का प्यार है, वो पब्लिक देख रही है कि हाँ हमारे जो खिलाड़ी हैं कॉमेडी क्या करते थे, लेकिन आज वो ग्राउंड में कॉमेडी चलती रहती है, आपस में कॉमेडी करते रहते हैं, कोई आउट होता है तो उसको यहाँ तक छोड़ने आते हैं, संभालो अपनी अमानत को। इन्होंने कहा आउट होते हैं तो आप तो खेल रहे थे और फोर मारा या सिक्स मारा, तो क्या कुछ कॉमेडी की ऐसे क्या बताना चाहेंगे ऐसी कोई यादें आप लोगों की? शरारती बैट्समैन कलाकार एक है पपिया जो जोधपुर से है, वो हर बॉल पे इक्का दोक्का मारते हैं, नाच डांस जरूर करता है, और ऐसा थोड़ा सा क्या ड्रेस पहन दिया ना, तो अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यार सीरियस खेलें, लेकिन हम तो कॉमेडियन रहे ठहरे ना, हम तो बॉल पकड़ने भागते हैं तो भी टेढ़े मेढे भागते हैं तो हंसी निकल आती है, तो सबको बहुत अच्छा आनंद फील हो रहा है, मजा आ रहा है कि आज जितने लोगों से मिले कि आज आने वाले प्रोजेक्ट से सब में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि हेल्प होगी उस चीज़। इस तरह के स्टेडियम में या इस तरह की यूनिफॉर्म के साथ हम कभी नहीं खेले, ऐसे विकेट बैट लाइव चल रहा है, पूरा प्रोफेशनली फीलिंग आईपीएल वाली आ रही है, वर्ल्ड कप वाली आ रही है, तो इस फीलिंग का ही हम मजा ले रहे हैं, खेलना तो जो आ रहा है वो आ रहा है सबको, आपको पता ही है हर बॉल पे बताया जा रहा है कि फोर मारा आज हमने, फोर मारा टू, छह ओवर में अगर मान लो 70-80 रन का स्कोर बन रहा है, या रात तो लगभग 100-125 रन का स्कोर बना, तो छक्के चौकों की खूब बारिश हो रही है, खूब आनंद। अभी जो आपने मैच जीता, कैसी फीलिंग आ रही है आपकी टीम में कि कहां तक पहुंच गए आप लोग? हम अब लगभग सेमीफाइनल के नजदीक हैं, मेरे ख्याल कल भी हमने एक मैच जीता, आज भी जीता, अगर कल का एक और जीत लिया तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। और आपकी टीम कहां तक पहुंची सर? हमारी टीम अभी एक मैच जीती है, एक मैच हारी है, अभी दूसरा वाला जीतेंगे। तो अभी आपको क्या लग रहा है इसमें? लग क्या रहा है, पिछली बार तो कप लेके गए थे क्योंकि हम लोग गए कपटी कपटी कैसे कपटी कैसे कप लेके उसमें टी पीते हैं इसलिए कपटी हो गए, कपटी है, कप का बहुत कोड भी है, तो इस बार आपको चैलेंज मिल रहा है एक तरह से, ये कह रहे हैं कि पिछली बार हम लेकर गए तो इस बार भी हम लेकर जाएंगे। ऐसा है, ये हमारे राजस्थानी कॉमेडी का लीग हो रहा है, ये हमारे राजस्थानी कॉमेडी के विषम पितामह हैं जिन्होंने यूट्यूब पे राजस्थानी कॉमेडी शुरू की, तो इतने बुजुर्ग है, 108 साल के हैं ये, तो हमने सोचा अब कितने कप और जीतेंगे, एक दो बार इनको दे दो, हमने तो सारी उम्र फिर जीतना ही आगे। पितामह का आज आपको मिल चुका है, क्या कहना चाहिए? वो तो वही बोल रहा हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तब तक कप लेता रहूंगा, उसके बाद ऐसे लोग है ना मरते नहीं, आखिर मारना पड़ता है।
आप देख रहे हैं हमारे जनता दरबार पर खेलो कॉमेडियन लीग और लगातार हम अपने दर्शकों के लिए लगातार अपडेट लाते जा रहे हैं।